ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन करना चाहिए, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। बहुत टाइम हो गया, आप सफ़र कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन है, या एक डिसीज़न नहीं बना पा रहे, सिचुएशन में ऐसा फंस गए हैं कि आगे क्या होगा, लाइफ में क्या डिसीज़न बनाना चाहिए, और कश्मकश में फंसे हैं बेसिकली। सो उसके लिए हम एक बहुत ही जल्दी से एक रीडिंग करेंगे और देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी सीरियसली, मतलब कि अगर आपसे रेजोनेट होती है, जब मैं आपके रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी निकालूंगी, तो आप शुड यू वेट या मूव ऑन वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सिंसियर होइए। ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस नहीं होना और ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है। हो सकता है आपसे कुछ बातें रेजोनेट हो सकता है आपसे सारी बातें ना भी हो, तो थोड़ा ओपन माइंड रख के इस वीडियो को देखें। दूसरा, जितने लोगों ने पहली बार चैनल पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और बहुत उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे अपने आपको इम्प्रूव करने का और अच्छा मौका मिले। ठीक है, सो इसे जिस भी तरह से आप देखना चाहें, नाम राशि, सन मून साइन, जो आपको उचित लगे उस हिसाब से देखें। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सो धनु राशि, देखते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, इसकी फ़िलहाल कंबाइन एनर्जी क्या है, यानी कि सिचुएशन एग्जैक्टली चल क्या रही है आप दोनों के बीच में, एंड देन हम अपना मेन क्वेश्चन लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। सो आप दोनों के जो मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है ना, इस टाइम बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है। आप दोनों ना ही कोई डिसीजन बना पा रहे हैं, ना ही कुछ सोच पा रहे हैं। आगे का आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे कर रखा है कि आप दोनों को खुद को ही समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि सोच समझ कर निर्णय लीजिए हर एक चीज़ का। क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, नहीं समझ आ रहा, और जो सिचुएशन है उसमें हर तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो कोशिश भी दिख रहा है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट जो आप लोगों का अभी मेन फेज़ चल रहा है वो ये है कि आगे का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, कैसे करें, एग्जैक्टली इस तरीके की प्लान्स बना रहे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल से एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही कि आप दोनों लॉयल हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में डिसलॉयल्टी है, कि एक इंसान बहुत ज़्यादा डिसलॉयल हो गया इसलिए रिश्ता ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। चाहते दोनों ही स्टेबिलिटी हैं, पर कुछ निर्णय ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिस पे आप दोनों मिलकर काम ही नहीं कर पा रहे। सो उन चीज़ों के ऊपर आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा। अगर आप इस डिसीज़न को बनाना चाहते हैं कि मुझे वेट करना है या मूव ऑन करना है, तो ये जो कन्फ्यूजन है इससे तो बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, सो ये है आपकी कंबाइन एनर्जी, जो अभी रिश्ता जिस सफ़र से गुजर रहा है। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, क्या आपको अब रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, या आपको क्या कह रहे हैं डिवाइन, या वेट करना चाहिए। सबसे पहला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप तो मुझे दिख रहे हैं पेन में, आपकी तरफ से मुझे यही दिख रहा है कि आप पेन में हैं। आप पूरी तरह से चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, आपका पूरा दिल है सैजिटेरियस। आप कहीं से भी नहीं मुझे दिख रहे कि आपका ज़रा सा भी मन नहीं है कि ये रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आए या प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बस सोच रहे हैं हर चीज़ को। आप ऐसे अगर अपने पार्टनर के साथ सख्त होकर बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, आपको अपनी सख्ती वाला एटीट्यूड त्यागना होगा। अगर आप इस सख्ती वाले एटीट्यूड को नहीं छोड़ सकते,
और ऐसे ही उनके साथ रूड होकर बिहेव करेंगे और बिल्कुल या तो नो कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे, तब भी नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा, एक तरफ तो आप डिप्रेस्ड हैं, एक तरफ तो आप परेशान हैं और दूसरी तरफ आप उनसे बात ही नहीं कर रहे। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें खराब हुई होंगी, गड़बड़ हो गई होगी, ऊपर नीचे हुआ है, उन्होंने आपको बहुत कुछ कहा है, बट आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा। और रिलेशनशिप देखिए, कुछ लोग मेरे को कमेंट में कहते हैं हमारा तो 4 साल पुराना रिलेशनशिप है, हमारी तो 2 साल से बात ही नहीं हुई। देखिए, ये उन रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है वीडियो, ये उनके लिए है जो अभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर ज़्यादा से ज़्यादा से प्रॉब्लम है। बहुत लंबा अगर गैप आ गया और सामने वाला आपसे बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा और मूव ऑन कर गया, तो वो तो देखिए अलग सिचुएशन हो गई। बट इस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पेन में हैं, आप सिंसियर हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बने, आप फ्यूचरिस्टिक हैं इस पर्सन को लेके। सो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें। हाँ, ये आपको पता है कि आपने कितना ट्राई किया, हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया और उसके बाद भी चीज़ें नहीं बन रही हों, देन इन दैट केस यू शुड मूव ऑन। बट स्टिल मुझे जो दिख रहा है, चांसेस दिख रहे हैं कि आपको ट्राई करना चाहिए, आप इस पेन वाले फेज में ना रहें। बाकी आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर दिख रही है, सो आप वेट करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए अब डिवाइन गाइडेंस लूँगी, ये देखूँगी कि क्या दिख रहा है डिवाइन गाइडेंस में। सो डिवाइन प्लीज़ बताएं कि सैजिटेरियस को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। Be bold and make the first move. देखिए, जो मैंने बोला वही बोल रहे हैं वो भी, कि आपको ही bold होकर move लेना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ, मैं तो लटकाऊँगा, मुझे भी नहीं बात करनी, मैं क्यों करूँ, ऐसे वाले attitude में रहेंगे तो नहीं होगा। थोड़ा सा आप move लीजिए, आप ही bold होकर try कीजिए। एंड नेक्स्ट इज लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत भी आपका साथ देगी अगर आप ट्राई करेंगे, लक विल सपोर्ट यू, ठीक है। सो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने को कह रही हैं, आपको ये कह रही हैं कि आप आगे बढ़ के देखें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि रीडिंग से कुछ क्लैरिफाई हुई हैं चीज़ें और आपको पता चला है क्या करना है। ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग में मुझे कॉमेंट करके बताएं, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।